दिया गया। क्या? अब उनके मेदे से जहर निकाल दिया है, उनका मजीद चेकअप हो रहा है। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। ये पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है? ये तो हमारे घर की बात है ना, अब हम क्या पुलिस और कचहरियों में आते जाते रहेंगे? मुझे लगता है शला बेगम, तुम्हारा दिमाग घास चरने चला गया है। तुम्हें अंदाजा भी है कि हमारे बच्चे मौत से लड़ रहे हैं? उन्हें जहर दिया गया है, जहर। मैं पूरे होश में हूँ और यही बात तो आपको बताना चाह रही हूँ कि पुलिस को इस मामले से दूर रखिए। आप सुन रहे हैं मेरी बात? ये अफजल भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप इग्नोर कर रहे हो मुझे। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? अरे तुम क्या अनाप शनाप बकी जा रही हो? हेलो जमशेद साहब, यहाँ हॉस्पिटल में एक केस आया है। अरे डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल और थाने होते किस लिए? इसीलिए ना यहाँ केस आए। कोई नई बात करें? ये तो मजाक की बात है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। यार तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? केस क्या है? केस ये है कि एक शादी की तकरीब में दूल्हा और दुल्हन को जहर दिया गया है। तुम्हारी कार्रवाई तो बनती है ना? यार डॉक्टर, सीधे साधे केस ही लेके आते हो मेरे पास। कोई माल शाल की भी बात किया करो। चलो खैर, मैं डालता हूँ अपनी कार्रवाई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके। हामिद साहब, ये वही खाना है जो आपकी बेटी दामाद हादसे के वक्त खा रहे थे? जी हाँ। ठीक है, इस खाने की जांच होगी और बेहतर ये होगा आप अपने तमाम रिश्तेदारों को इस कमरे में आने से मना कर दें। ठीक है, जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। तारिक। जी सर। ये खाना लेबोरेटरी भेजो और सुनो, मुझे रिपोर्ट आज शाम तक चाहिए। अच्छा तो हामिद साहब, ये बताएं आपने अपनी बेटी का रिश्ता कब और कैसे तय किया? दरअसल ज़ारा मेरी इकलौती बेटी है, उसकी माँ ने उसे बहुत नाजो नखरों से पाला था। पाला था? ये पाला था से क्या मुराद है आपकी? मुझे 6 साल पहले ज़ारा की माँ निगत का इंतकाल हो गया। ज़ारा छोटी थी, खानदान वालों के दबाव पर मैंने दूसरा निकाह शैला से किया। शैला जो है ज़ारा की सौतेली माँ है। बस जी, दूसरी शादी के बाद मैंने सोचा कि ज़ारा के फर्ज़ सुपुर्द-ए-दोष हो जाऊँ, इसलिए जैसे ही रिश्ता आया मैंने फौरन हामी भर ली। बस हामिद साहब, इससे आगे की कहानी अब मैं आपकी बीवी शैला बेगम के मुंह से सुनना चाहता हूँ। जी बताइए। हेलो आरिफ। हाँ कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ यूनिवर्सिटी में? ओह रियली? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। और तुम सुनाओ। चलो ठीक। अरे ज़ारा, कितनी बार मना किया है, ये अपनी आवारा गर्दियाँ बंद कर दो। क्यों, आखिर क्यों अपने बाप की नाक कटवाने पर तुली हुई हो तुम? आप क्यों रोज रोज मुझे ये याद दिलाती हैं कि आप कभी मेरी सगी नहीं बन सकती? अगर तुम्हारी सगी ना होती ना, तो तुमको कभी सीधी राह नहीं दिखाती, समझी? क्या चाहती हैं? कॉलेज जाना मेरा बंद करवा दिया, घर से बाहर निकलने पे वैसे ही मेरे पाबंदी है। अब मुझे घर में तो सुकून से रहने दें। माफ करना, अगर तुम अपनी आशिकी और इश्क के चक्कर में ना पड़ती ना, तो आज तुम कॉलेज जा रही होती। और रही बात तुम्हारी घर से ना निकलने की, तो वो पाबंदी तुम्हारे बाप ने तुम पर लगाई है, मैंने नहीं। तो आप मुझे ये क्यों नहीं बता रही कि अब्बू के कान भर भर के उनका दिल आपने मेरे खिलाफ किया है? वो मुझे अच्छी लड़की नहीं समझते? देखो ज़ारा, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, अपने दिल से ये गलत तलखियाँ निकाल दो, वरना कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि हमारा घर रोज़ रोज़ का मैदान जंग बना रहेगा, समझी तुम? अगर आप ये चाहती हैं कि घर में अमनो सुकून कायम रहे, तो अब्बू से आरिफ के लिए बात करें, वो रिश्ता लाना चाहता है। आरिफ? ये कौन है? हम तो कुछ नहीं जानते इसके बारे में। तो मैं आपको बता तो रही हूँ इसके बारे में। अब एक्चुअली वो मेरी यूनिवर्सिटी का लड़का है और वो रिश्ता लाना चाहता है। आप करेंगी ना अब्बू से बात?
ये लीजिए भाई, गरम गरम चाय। थैंक यू हामिद, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो कुछ लोग ज़ारा के रिश्ते के सिलसिले में आपसे मिलना चाहते हैं। ज़ारा के सिलसिले में? मगर अभी तो बहुत छोटी है हमारी बेटी। अब इतनी छोटी भी नहीं है, उसकी ही तो मर्जी से वो लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, हम भी तो देखें अपनी बेटी की पसंद को। अगले हफ्ते बुला लो। बोल दूंगी। चाय लेना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आरिफ कि अम्मी ने अब्बू को राजी कर लिया और अब्बू ने बुलाया अगले हफ्ते तुम्हारे घर वालों को मिलने के लिए। तुम तो बेकार में अपनी अम्मी की बुराइयां करती थी। देखा कैसे वक्त में काम आ गई। पता नहीं, मैं भी हैरान हूँ, एक दिन में इतना कैसे बदल गई हूँ। अच्छा ये बताओ, मैं भी साथ आऊँ या सिर्फ अब्बू को भेज दूँ? नहीं नहीं, तुम्हें भी साथ आना है, अब्बू तुम्हें देखना चाहेंगे। ठीक है, मैं भी आ जाऊँगा। वैसे भी कोई ऊंच नीच हो गई तो कोई तो होगा जो मामला को संभालेगा, है ना? मेरे साथ रह रहे के तुम बहुत होशियार हो गए आरिफ। तुम तो खुशफहमी में ही रहो। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, फिलहाल अब्बू को भी तो बताना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अपना ख्याल रखना। भाई ये तो कमाल हो गया, आप भी हमारी जात बिरादरी के निकल आए। आप अहलिया को साथ नहीं लाए? उनको गुजरे तकरीबन 2 साल हो गए। वेरी सैड। उनको बहुत शौक था कि मेरे बेटे आरिफ के सर पर सिरा देखे, पर भला किस माँ का दिल नहीं चाहता कि औलाद के सर पे सिरा देखे। अरे भाई शैला, कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करें। अरे नहीं नहीं भाभी प्लीज, आप ज़ारा बेटी को बुलाइए, अभी उससे भी मुलाकात करनी है। शैला दरअसल ज़ारा की सुतेली माँ है। ज़ारा की माँ को गुजरे हुए 4 साल हो चुके हैं। आपको अगर शैला की कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप, भाभी तो बहुत खुश अखलाक हैं। आओ बेटा। वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। अरे भाई हामिद साहब, अब तो हमें आप निकाह की डेट दे दीजिए प्लीज। मेरा जो कुछ भी है मेरे इकलौते बेटे आरिफ का है, और अब तो मैं बेचैन हूँ ज़ारा और आरिफ की खुशी देखने के लिए। अरे भाई साहब, ज़ारा आपकी अमानत है, इसे जब चाहे आप अपने साथ ले जा सकते हैं। बस फिर तो तय हो गया, इस जुम्मे को सादगी से निकाह कर लेते हैं, और रुखसती जब आप चाहें। अरे भाई शैला, सबका मुंह मीठा करवाओ, खुशी का मौका है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ये सब कुछ दोनों खानदान की बाहमी रजामंदी से हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जहर देने या कत्ल करने की कोशिश खानदान का कोई करीबी फर्द तो नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि खाने में कोई जहरीली चीज़ गिर गई है। हाँ ये हो सकता है, लेकिन सिर्फ 2 लोगों के खाना खाने से तबीयत का ख़राब होना नामुमकिन है। खाना अगर जहरीला होता तो और लोगों की भी तबीयत ख़राब होती है। वैसे आपने खाना घर में पकवाया था या बाहर बावर्ची से बनवाया था? जी हमने खाना बाहर से बनवाया था, बरकत बावर्ची से। बरकत बावर्ची से, ठीक है हामिद साहब, शाम तक रिपोर्ट आ जाती है, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। मैं चलता हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बच्चे अब खतरे से बाहर हैं, और अल्लाह ने चाहा तो कल तक घर भी आ जाएंगे। अल्लाह तेरा शुक्र।
हेलो, मैं इंस्पेक्टर जमशेद बात कर रहा हूँ थाने से। जी जी बोलें। रिपोर्ट के मुताबिक खाने में जहर नहीं है, ना ही कोई शय अलग से मिलाई गई है। तो फिर ये सब कैसे हुआ? देखिए हामिद साहब, जहर या तो खाने से पहले दिया गया या खाना खाने के बाद, क्योंकि दोनों के मैदे से जहर पाया गया है। मैं जरा अपनी तसल्ली के लिए आपके घर और किचन का दोबारा मुआयना करना चाहता हूँ। वैसे आपके घर में मुलाजिम वगैरह तो है ना? जी हाँ। ठीक है, आप उन्हें रोक के रखें, मैं थोड़ी देर में आपके घर पहुँच रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, आप तशरीफ ले आएं। चलो जी, हम इस साहब के घर का जरा फोन लगा के। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब आने के लिए बात कर रहे हैं। क्यों? कुछ पूछगिछ के सिलसिले में। ठीक है, मैं चाय लेकर आती हूँ। अफजल साहब, क्या आप हॉस्पिटल गए थे? जी दोपहर तक मैं वहीं था, अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ हामिद भाई कहने पर। वो मिठाई आप ही खरीद के लाए थे? जी जी बिल्कुल, आने से थोड़ी देर पहले एक दुकान से ली थी मैंने। अब वो मिठाई कहाँ है? वो मेरे इल्म में नहीं है। किससे पूछकर मिठाई घर लेकर गई थी? वो बाजी, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है इसलिए। तेरे बच्चों को पसंद है? और जो तूने मेरे लिए इतना बड़ा गजब कर दिया है उसका मैं क्या करूं? बाजी, मैं आपके साथ जहेज में आई थी इस घर में, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको बदनाम कर दूंगी। आप बेफिक्र रहें, आपके तमाम राज हमेशा राज ही रहेंगे। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तेरी जरा सी भी जबान खुली ना तो मेरे हाथ से तू बचेगी नहीं, समझी? अब जाओ यहां से। समझ में नहीं आता अफजल भाई, ये मनहूस हरकत कर कौन सकता है? मैंने आज आपको अकेले इसीलिए बुलाया कि मैं मालूम कर सकूं कि आपकी कारोबारी या कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं किसी से। हामिद भाई, जहां तक मेरी नॉलेज है, ना ही मेरी कोई खानदानी दुश्मनी है ना कोई कारोबारी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप तो गुस्सा हो गए। मेरा ये सब पूछने का मतलब ये था कि इंस्पेक्टर जमशेद जब आपसे पूछगछ करेगा तो आपको कोई परेशानी ना हो। आप परेशान मत हो, इंस्पेक्टर जमशेद ने जो कुछ मुझसे पूछना था वो सब कुछ पूछ चुका है। क्या? कब? मेरा मतलब है कि वो आपके घर कब आया था? नहीं नहीं, आप ही के घर में मुलाकात हुई थी। इत्तफाक की बात है, वैसे ये बात मेरे इल्म में नहीं है। खैर, आपके इल्म में तो बहुत सी बातें नहीं है। क्या मतलब? अपनी मासी पर भी नजर रखा करें जनाब, मुझे उसके तेवर अच्छे दिखाई नहीं देते। वो तो शैला के साथ जहेज में आई है हमारे घर में, वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकती। खैर, मेरा काम था आपको समझाना, आगे आपकी मर्जी। बहुत अच्छा किया अफजल भाई आपने, जो मेरी नॉलेज में ये बात लेकर आए। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। खैर मैं अब चलता हूँ, आरिफ घर में अकेला होगा। चलो, घर जाके फोन जरूर कीजिएगा, उसकी तबीयत के बारे अच्छा होगा। ज़ारा कैसी हैं आप? जी शुक्रिया, मैं अब बेहतर, वरना तो दुश्मनों ने पीठ पर ही वार कर दिया था। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, मज़ा आएगा आपके साथ गपशप करने में। मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? जी ज़रूर। ज़ारा, हमें ये तो पता है कि आपकी शादी सबकी बाहमी रजामंदी से हो रही थी, आप हमें ये बताएं कि ये आपसे किसने कहा कि मेरी शादी सबकी मर्जी से हो रही थी? अच्छा, तो क्या ऐसा नहीं है? मेरी सौतेली माँ ने मेरे बाप का और मेरा जीना अजाब करके रखा था, वो ये चाहती थी कि मेरी शादी उसके भांजे से करवा दीजिए, क्योंकि मेरे अब्बा की तमाम जायदाद की इकलौती वारिस मैं हूँ और वो औरत सिर्फ पैसे की भूखी है। तो ये आरिफ बीच में कहाँ से आ गया? बस यूँ समझ लीजिए कि शायद अल्लाह को मेरी बेहतरी मंजूर थी, तभी कॉलेज से घर बैठने पर मेरी दोस्त ने एक रिश्ता बताया जिसमें लड़के को मैं पसंद थी, उसने शायद कहीं मुझे देखा था। बस इस मुसीबत से निकलने का मुझे एक यही रास्ता नज़र आया,
तो मैंने जोर देकर आरिफ के रिश्ते के लिए हाँ करवा ली। इसका मतलब ये है कि आप आरिफ को भी पहले से नहीं जानती थी? जी, बस इस सिचुएशन में मुझे कुछ समझ नहीं आया था। अच्छा, ये बताएं कि उस रोज़ आपने खाने में क्या खाया था? उस रोज़ मैं और आरिफ एक ही प्लेट में बिरयानी खा रहे थे और एक मिनट, हेलो, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मेरा वहीं वेट करो, ज़रा मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, आप रेस्ट करें, आपसे फिर मुलाकात होती है, टेक केयर। सर मिठाई में कोई जहर नहीं मिलाया गया। मासी नज़ीरा के घर तो सब खैर है। अजीब बात है, बिरयानी, खीर, मिठाई, किसी भी चीज़ में जहर नहीं मिलाया गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों को जहर दिया गया तो कैसे? सर ऐसा भी तो हो सकता है, ये जहर दूल्हा दुल्हन के लिए हो ही ना, ये जहर हामिद साहब के लिए हो। शैले बेगम जितनी मासूम नजर आती हैं उतनी है नहीं। ये भी तो हो सकता है कि जहर अफजल साहब ने दिया हो, हो सकता है कि उनकी नज़र हामिद साहब की जायदाद पे हो। वैसे ये अफजल जितना शरीफ नज़र आता है इतना शरीफ है नहीं। सर आप कहें तो अफजल को थाने बुलाकर पूछगछ कर लेते। पागल हो गए हो, कोई सबूत तो हाथ आ जाने दो, फिर उसके बाद कार्रवाई भी डालते हैं। अच्छा तुम्हें जो मैंने काम बताया था वो करके आओ। जी सर। अब्बू ये सब क्या हो गया, इतना बड़ा पुलिस केस कैसे हो गया? अब्बू समझ नहीं आ रहा बेटा, डॉक्टर ने पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर लिया, तो सारा खेल चौपट होता नजर आ रहा है। तो क्या हमारा पुल खुल जाएगा अब्बू? क्या जारा से मेरी शादी टूट जाएगी? बकवास मत करो, जारा से तुम्हारा निकाह हुआ है, उससे कोई तुम्हें अलग नहीं कर सकता। 50% हम कामयाब हो गए और 50% हम रुख्सती के बाद कामयाब हो जाएंगे। अब्बू मैं अभी भी कह रहा हूँ आप अपनी जिद छोड़ दें, वरना आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। पागल हो गए हो क्या? मंजिल के इतने करीब आकर भला वापस पलट जाना बेवकूफ़ी नहीं होगी? और ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और आखिर मैं कब तक जिंदा रहूँगा? तो कल मैं मर जाता फिर? आप ये सब जिसके लिए कर रहे हैं, अगर वही जिंदा ना रहे तो क्या फ़ायदा अब्बू? मेरी जान, मेरे बेटे, थोड़ा सा सब्र कर लो, ये सारा मामला मैं संभाल लूँगा। मुझे तो चारों तरफ अपनी ही मौत नज़र आ रही है अब्बू। बेटा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आराम करो मेरे बेटा। हामिद भाई मेरा ख्याल है कि रंग में काफी भंग पड़ चुका है, सारी रसूमात रहने दे और बस जारा की रुख्सती मुझे दे दे। कमाल की बात कर रहे हैं आप, यहाँ बच्चों की जान पर पड़ी है और आप हैं कि हमसे तकरीब की तवक्को रखते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ना जाने कहाँ कहाँ 40 चोर बैठे हुए, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, बस आप तकरीब को छोड़े, रुख्सती दें, आरिफ और जारा का घर बसा दें। भाई बात तो आपकी दिल को लगती है, क्या तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं? अरे आप भी बात को समझ ही नहीं रहे हैं, बिना सोचे समझे बोले जा रहे हैं। अभी हमारी जारा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हम उसकी रुख्सती कर सकें। अभी दोनों बच्चों की तबीयत ठीक होने दें, फिर उसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है। शैला ठीक कह रही है, बच्चे भी कमज़ोर हैं, उनको सेहतियाबी के लिए टाइम चाहिए, और साथ साथ ये जमशेद नामी जो पुलिस इंस्पेक्टर हमारे पीछे पड़ गया है, इससे भी जान छुड़ाना लाजमी है। मुनासिब यही है कि हम केस वापस ले लें और मामला ख़त्म कर दें। अरे बिल्कुल सच कहा, आपके मुँह में घी शक्कर, आपने तो मेरे मुँह की बात छीन ली। क्या आप बताएंगे आप अपनी मोहब्बत से इतनी जल्दी जारा को कैसे राजी कर लिया शादी के लिए? मैं समझा नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं? सीधी सी बात है, तुम जारा से पहली बार कब और कहाँ मिले थे? वो एक दोस्त की शादी के एल्बम में उसको देखा था। क्या आप अपने वालिद के बिजनेस में इनका हाथ बटाते हैं? जी, वो ज्यादातर बिजनेस में ही संभालता हूँ। फिर तो आप ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि आपके वालिद का बिजनेस घाटे में जा रहा है। जी, लेकिन ये सब कुछ आपको कैसे मालूम? ये छोड़ें और ये बताएं कि आप बाप बेटों का प्लान क्या था? रायता, कोल्ड ड्रिंक,
वही सब कुछ खाया जो और सब खा रहे थे। ठीक है, तुम अभी रेस्ट करो, तुमसे फिर बाद में मुलाकात करते हैं। खाने की किसी चीज में जहर नहीं है तो फिर एक ही चीज रह जाती है और वो है कोल्ड ड्रिंक जो उन दोनों ने उस रात पी थी। चलो इसकी खोज लगाते हैं। जी साहब जी, क्या बात है साहब जी? देख नजीरा, सच सच बता, तूने कोल्ड ड्रिंक में जहर किसके कहने पे मिलाया था? ये आप कैसी बात कर रहे हैं साहब जी, मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में। देख शराफत से बता दे वरना सीधा थाने ले जाऊंगा। नहीं साहब जी, मुझे थाने नहीं जाना जी, मुझे तो वो जहर शैला बीबी ने ला कर दिया था और उन्हीं के कहने पे वो जहर मैंने एक ड्रिंक में मिलाया था। और फिर तूने वो कोल्ड ड्रिंक ले जाकर आरिफ को दे दी? नहीं साहब जी, मैंने तो वो ड्रिंक शैला बीबी के कहने पर आरिफ साहब के वालिद अफजल साहब को दिया था। क्या, अफजल साहब को? लेकिन क्यों जी? वो तो पता नहीं, मुझे तो शैला बीबी ने कहा था कि वो ड्रिंक अफजल साहब को दे दूं। देख नजीरा, ज्यादा चालाक या होशियार बनने की कोशिश मत करना वरना सबसे पहले हथकड़ी तुझे लगाऊंगा। और हाँ, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तूने मुझे कुछ बताया है, इसका जिक्र किसी से भी मत करना। मेरी बात समझ रही है ना? मसला नहीं है क्या है? नजीरा के बयान के मुताबिक शैला बीबी ने कोल्ड ड्रिंक में जहर अफजल साहब के लिए मिलवाया था। क्या, ये कैसे हो सकता है? वो क्यों अपने समझे को जहर देगी? तारिक, इन सारे सवालों का जवाब मैं नहीं, शैला बीबी देंगी। तो फिर चलें? नहीं, सबके सामने नहीं, इन सवालों के जवाब शैला बीबी से अकेले में पूछने पड़ेंगे। ठीक है, मैं बुलवाता हूँ। भाभी, इतनी रात को आपने खामोशी से मिलने के लिए मुझे क्यों बुलाया है? भूल गए या फिर भोले बनकर ड्रामा कर रहे हो अफजल? क्या मतलब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं आ रहा तुम्हारी समझ, कुछ नहीं आ रहा तुम्हारी समझ में। याद करो अफजल, अफजल याद करो, तुमने किस तरह एक मासूम लड़की की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। आज से 10 साल पहले तुम्हारी नफरत की एक जर्ब कैसे मेरी जिंदगी को उजाड़ गई थी। याद आया कुछ? अब भी भूल गए हो? शैला, तुम वही हो? हाँ मैं वही हूँ। तुम क्या समझे थे हम कभी नहीं मिलेंगे? तुम्हारी गलतफहमी थी, दुनिया गोल है गोल। यहाँ जैसा किसी के साथ करोगे ना वैसा ही लौट कर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तारा शैला, मुझे माफ कर दो। जिंदगी बर्बाद कर फिर उससे माफी मांगकर इतनी आसानी से अपने जुर्म से आजाद नहीं हो सकते अफजल। मेरी माँ तुम्हारे दिए हुए सदमे से गुजर गई, मेरा बाप पिघल पिघल कर मर गया, मैंने अपनी आंखों से अपनी अस्थि पस्थि जिंदगी को जोड़ते देखा है अफजल। और तुम चाहते हो मैं तुमको इतनी आसानी से माफ कर तुमको इस जुर्म से आजाद कर दूं? नहीं अफजल, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगी। शैला, मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जिससे तुम्हें सुकून मिले। काश तुम उस रात को जहरीली बोतल पी लेते और मर जाते। क्या, वो जहर तुमने मिलाया था? हाँ, हाँ पहले मिलाया था सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन मेरी किस्मत क्या भी हार गई, वो जहर मेरे बच्चों के गले से उतर गया और तुम अपनी मनहूस सूरत लिए आज भी मेरे सामने खड़े हो। हार गई मैं, चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ अपनी शक्ल लेकर, दफा हो जाओ। हार गई, हार गई।
इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे यहाँ थाने क्यों बुलाया है? ये बताने के लिए शैला बीबी कि आपका राज खुल गया है, इसलिए बेहतर यही आप खुद ही हमें सब कुछ सच सच बता दो। राज? कैसा राज? कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाने का राज। देखो, नजीरा ने सब कुछ उगल दिया है। अब अगर तुम हमें सच नहीं बताओगी तो वो कोल्ड ड्रिंक की जहरीली बोतल ढूंढने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नजीरा, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। ओ बीबी, ये ड्रामेबाजी बंद करो और सच सच बताओ फटाफट, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सब बताती हूँ। प्लान तो आपने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन आप ये भूल गए कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है। उस रात वो जहरीली कोल्ड ड्रिंक अगर तुम्हारे मियाँ पी लेते तो तुम क्या करती? तुम तो बेवा होके अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाती, जहां सिर्फ और सिर्फ जिल्लत तुम्हारी मुंतजर होती। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई, मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूं इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, तुम सुबह आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दो, बाकी मामलात में देख लेता हूँ। तारिक, सुबह इनका बयान रिकॉर्ड कर लेना।